Hello students, I welcome you all in today's video of your chapter 4, that is using mail merge. In today's video we are going to learn about creating a recipient list, inserting merge fields and viewing of merge fields. So let's start with today's topic, that is of creating a recipients list. Now in order to create a recipient list, ठीक है, or the mailing list, ठीक है, first you will click on, you'll select a type new list radio button. ये radio button आपका will be available at select recipient section in the mail merge task pane. तो जो हमारा mail merge task pane होगा, ठीक है, वहाँ पर जा कर के हमें टाइप न्यू लिस्ट वाले रेडियो बटन पे टिक करना होगा. टाइप न्यू लिस्ट वाला रेडियो बटन हमारा कहाँ होगा, सेलेक्ट रेसिपिएंट सेक्शन में, और ये सेक्शन कहाँ पे होगा, मेल मर्ज टास्क पेन में. जब हम लोग टाइप न्यू लिस्ट वाले रेडियो बटन पे टिक कर देंगे, ठीक है, या सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, विल क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर. नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट ऑप्शन, अ न्यू डायलॉग बॉक्स ऑफ द नेम न्यू एड्रेस लिस्ट विल अपीयर. एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा न्यू एड्रेस लिस्ट, और ये आपके स्क्रीन पे आएगा जैसा कि आपके बुक की फिगर 4.5 में विजिबल है. ठीक है, नाउ यू विल क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइज कॉलम्स, ठीक है, फॉर एडिंग और रिमूविंग द फील्ड्स. ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे. इस पर क्लिक करने से क्या होगा, यू कैन इधर ऐड द फील्ड्स और यू कैन रिमूव द फील्ड्स. क्लियर. नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट एंटरिंग द डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड. जैसे यहाँ पे कुछ फील्ड्स मेंशन होगी, मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1. सो यू विल स्टार्ट टाइपिंग हियर, यू विल स्टार्ट टाइपिंग लाइक से मिस्टर, यू से शौर्य, लास्ट नेम प्रताप, कंपनी नेम लेट्स से गूगल, एड्रेस लाइन कठवारा. इस तरीके से आप यू स्टार्ट एंटरिंग योर डेटा, एंड वंस योर एंट्री फॉर द फर्स्ट लाइन इज डन, देन यू विल क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन. वेयर विल यू क्लिक, यू विल क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन दैट इज लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स. न्यू बटन कहाँ पे है, ये देखिए आपका यहाँ पे न्यू एंट्री बॉक्स दिया हुआ है फिगर 4.5 में. इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री वाले बटन पे, तब आपके दूसरी फील्ड में मूव करेंगे आप, उसमें भी फिर अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे. Let's take an example. You have entered 4 records of either your friends or your relatives. After you have created those records, you will simply click on OK. Where will you click? You'll click on OK. Clear? Now, as soon as you click on OK, another dialog box of save address list will open. अब एक और dialog box खुलेगा जिसका नाम होगा save address list. अब आप क्या करोगे? इस dialog box में भी, ठीक है, आप अपना फाइल नेम स्पेसिफाई करोगे जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होगा, एंड यू विल क्लिक ऑन द सेव बटन. जो सेव बटन होगा उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे. ठीक है, अब क्या होगा, जब आप सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे ही एक मेल मर्ज रेसिपिएंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसा कि आपकी बुक के फिगर 4.6 में दिया हुआ है. जस्ट लाइक हियर, सी दिस इज द मेल मर्ज रेसिपियंट्स डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले कर देगा द डिटेल्स ऑफ एवरी रिकॉर्ड यू हैव एडेड. जो भी रिकॉर्ड्स आपने ऐड किए हैं उनका सबका डिटेल यहाँ पे शो होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने अपने 4-4 दोस्तों का या किन्हीं भी 4 रिलेटिव्स का आपने रिकॉर्ड एंटर किया, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं. इसी तरीके से 4 रिकॉर्ड्स आपके भी डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लियर. नाउ इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, मान लो आपने रिकॉर्ड्स एंटर कर दिया एंड यू वांट टू मेक सम चेंजेस. नाउ इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, ठीक है, और एनी डिटेल यू वांट टू चेंज, देन यू नीड टू सेलेक्ट ऑन द डेटा सोर्स. वेयर विल यू सेलेक्ट, यू विल सेलेक्ट द डेटा सोर्स एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन लोकेटेड अंडर द डेटा सोर्स बॉक्स. जो आपका डेटा सोर्स का बॉक्स है आप उस पर जाएंगे. ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो एडिट बटन लोकेटेड है आप उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, जब आप एडिटिंग करके कंप्लीट कर देंगे, जब आपको जो चेंजेस करने हैं, जब आप वो सारे चेंजेस कर लेंगे, उसके बाद
आप किस पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप कंफर्म कर दोगे कि हाँ यही लिस्ट है आपकी मेलिंग लिस्ट, और आपकी विंडो आप क्लोज कर देंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया है कि हम लोग रेसिपिएंट्स लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द रेसिपिएंट लिस्ट, द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, इंसर्टिंग द मर्ज फील्ड्स। आप मर्ज फील्ड्स को कैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है। सो फॉर इंसर्टिंग द मर्ज फील्ड्स, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आप अपने माउस का कर्सर या जो भी आपका कर्सर है, आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहां पे आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। आप अपने माउस के कर्सर को वहां पे लेके जाएंगे जहां पे आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। उसके बाद आप कहां जाएंगे, देन यू विल क्लिक ऑन द मेलिंग टैब। उसके बाद आप लोग मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन। वेयर विल यू क्लिक, यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन, ठीक है। और ये बटन कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये बटन आपका अवेलेबल होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना कर्सर को उस पोजिशन पर लेके जाएंगे जहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। उसके बाद आप लोग मेलिंग टैब्स पे क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन कहाँ पे होता है, ये होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। समझ में आया, जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसका नाम होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स, दैट इज गिवन इन फिगर 4.7 ऑफ योर बुक, ठीक है। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपके आगे खुल के आएगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे फील्ड के नाम आ रहे हैं, टाइटल आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, एड्रेस लाइन वन और सिटी आ रहा है, ठीक है। अब आप उस फील्ड नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसको आप ऐड करना चाहते हो। अब फिर आप किस बटन पे क्लिक करोगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो जैसे कि आपको टाइटल चाहिए तो आपने टाइटल पे पहले क्लिक किया और फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। आपको फर्स्ट नेम चाहिए उसके बाद फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द फील्ड नेम दैट यू वांट टू इंसर्ट और दैट यू वांट टू ऐड, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। क्लियर, इसी तरीके से आप अपनी बाकी सारी फील्ड्स को भी इंसर्ट करके एंड देन यू विल क्लिक ऑन द क्लोज बटन। जो बटन क्लोज का होगा आप उस बटन पे क्लोज कर देंगे। एज सून एज यू क्लिक ऑन द क्लोज बटन, यू विल ऑब्जर्व दैट द जो फील्ड आपने सेलेक्ट कर रखी थी वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टली अपीयर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट द फील्ड नेम्स, यू विल प्रेस द एंटर की फॉर सेपरेटिंग द फील्ड नेम्स। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप सबको, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज व्यूइंग द मर्ज डेटा। हम लोग मर्ज डेटा को कैसे व्यू कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हैज पिक्ड अप द डेटा सोर्स अकॉर्डिंग टू द मर्ज फील्ड्स और नॉट, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके डेटा सोर्स को सही तरीके से पिक किया है जो फील्ड्स आपने चूज करी थी कि नहीं, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, बाय व्यूइंग इट ऑन योर स्क्रीन। तो आपको व्यू करने के लिए क्या करना होगा, यू विल क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन। कहाँ पे क्लिक करोगे आप, प्रीव्यू बटन में। और ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, ये बटन आपको मिलेगा प्रीव्यू रिजल्ट्स ग्रुप में। कहाँ पे मिलेगा, प्रीव्यू रिजल्ट्स ग्रुप में। और प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा मेलिंग टैब में, ठीक है। तो मतलब अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप मेलिंग टैब में जाइए, मेलिंग टैब में जाकर के आप प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप में जाइए। प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप में आपको एक बटन मिलेगा प्रीव्यू रिजल्ट बटन, आप उस बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड, ठीक है, वट एवर द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन लाइक इट्स शोन इन योर फिगर 4.9 ऑफ योर बुक। सी दिस इज योर फिगर 4.9, ठीक है।
तो ये देखिए आपने जो भी डेटा सोर्स दिया था उस डेटा सोर्स के अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड फेच हो गया है, ठीक है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट रिकॉर्ड यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसी तरह आप धीरे धीरे करके अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अब वो सारे रिकॉर्ड्स का प्रीव्यू देख सकते हैं या उनका प्रीव्यू कर सकते हैं। क्लियर ना। अब आपने व्यू कर लिया अपने मर्ज फील्ड मर्ज डेटा को, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है। सो फॉर प्रिंटिंग इफ यू वॉन्ट टू टेक द प्रिंट आउट, आपको अपने लेटर के प्रिंट आउट चाहिए जो आपने डेटा मर्ज किया था उसके साथ डेटा सोर्स के, तो यू विल जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश मर्ज बटन। वेयर विल यू क्लिक, यू विल क्लिक ऑन द फिनिश मर्ज बटन। ये कहाँ पे दिया होता है, ये फिनिश ग्रुप में दिया हुआ। ये भी कौन से टैब का है, मेलिंग्स टैब में है, ठीक है। तो आप मेलिंग्स टैब में जाएंगे, फिनिश ग्रुप में जाएंगे एंड फिनिश एंड मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, जो प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो किसी ड्रॉप डाउन मेन्यू से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा ट्राइंगल दिया हुआ है फिनिश एंड मर्ज, उसके बाद देखिए छोटा सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल आपका ड्रॉप डाउन है। जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपने लेटर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और कंप्लीट मर्ज वाले उस पे स्टेप पे जाइए, ठीक है। उसके बाद आपके टास्क पेन पे प्रिंट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके भी प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेसिपिएंट लिस्ट, हाउ विल वी इंसर्ट द मर्ज फील्ड्स, हाउ कैन वी व्यू द मर्ज डेटा एंड हाउ कैन वी प्रिंट आवर लेटर्स। With this we come to the end of your chapter 4. I hope you have understood. ठीक है, the next video that I will be sending is that of the practically how you can mail merge your documents. Okay? Thank you guys.